हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाई चोपड़ा। दोस्तों, अभी नीट 2020 के एप्लीकेशन फॉर्म का करेक्शन विंडो 14 अप्रैल 2020 तक ओपन है। इस करेक्शन टाइम में आप चेक कर सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई कमी तो नहीं है। अगर इसमें कोई कमी नहीं है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चेक करेंगे हमारे फॉर्म में कोई कमी तो नहीं है, वो बिल्कुल सही है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि नीट का फॉर्म दो पार्ट में भरा जाता है। इसमें सबसे पहले पार्टिकुलर, जिसमें आप डाटा फिल करते हैं, जैसे आपकी पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, एग्जाम सेंटर इत्यादि। दूसरा पार्ट होता है इमेज अपलोड का। इसमें आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और 10th सर्टिफिकेट की इमेज अपलोड की जाती है। अभी जो करेक्शन विंडो ओपन है, इसमें आप पर्टिकुलर्स में तो करेक्शन कर सकते हैं, मगर इमेज अपलोड का री अपलोड आप तभी कर सकते हैं जब एनटीए ने किसी इमेज को रिजेक्ट किया हो। अब हम कैसे चेक करें कि एनटीए ने हमारी इमेज, जैसे फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, 10th सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर लिया है या रिजेक्ट कर दिया है। तो आपके द्वारा अपलोड की गई इमेज को एनटीए द्वारा स्क्रूटनी कर लिया गया है। अगर किसी इमेज में कोई कमी है, जैसे फोटोग्राफ क्लियर नहीं है, थंब ठीक से नहीं लगाया गया है, सिग्नेचर क्लियर नहीं है, तो एनटीए आपके मोबाइल पर आपको एसएमएस के द्वारा इन्फॉर्म कर देगा और आपको री अपलोड के लिए इन्फॉर्म करेगा। अगर आपके पास एनटीए की तरफ से ऐसा कोई एसएमएस नहीं आया, तो समझो आपके द्वारा अपलोड की गई इमेज एनटीए ने एक्सेप्ट कर ली है, क्योंकि एनटीए अभी तक सारे इमेज की स्क्रूटनी कर चुका है। पार्टिकुलर्स में अगर कोई मिस्टेक है, जैसे क्वालिफिकेशन कोड गलत भरा गया है या फिर अन्य कोई मिस्टेक हो जाती है, तो इस कंडीशन में फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। फिर भी आप चेक करना चाहें तो खुद चेक कर सकते हैं कि आपके फॉर्म में कोई कमी तो नहीं है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। तो आपको सबसे पहले एनटीए neet.nic.in की वेबसाइट पर कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। इसके बाद में आपने क्लिक हेयर फॉर करेक्शन इन नीट यूजी 2020 एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपने सारे पार्टिकुलर्स चेक करने हैं कि आपने बिल्कुल सही भरे हैं। चेक करने के बाद में आपने कैप्चा डालना है, यहाँ प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ डालने के बाद में, सिक्योरिटी पिन डालने के बाद में फाइनल सबमिट करना है। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे, इसमें आगे इमेज अपलोड का स्क्रीन आ जाएगा। इसमें कोई भी इमेज ऑप्शन हाईलाइट नहीं है और उसके नीचे री अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब आपके द्वारा अपलोड की गई सभी इमेज एनटीए द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई हैं और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। अगर यहाँ पर री अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो जिस इमेज के सामने ये ऑप्शन आ रहा है, उसकी जगह क्लियर इमेज आपने दोबारा से अपलोड करनी है। पार्टिकुलर सबमिट करने के बाद अगर इमेज अपलोड का विंडो ओपन नहीं होता है, तो इस कंडीशन में भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। अगर आप पार्टिकुलर्स में कोई करेक्शन करते हैं, तो लास्ट में कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट अवश्य ले लें या फिर इसकी पीडीएफ सेव करके रख लें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को चेक कर सकते हैं। अगर एनटीए की तरफ से इमेज री अपलोड का आपके पास कोई एसएमएस नहीं आया है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। फिर भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर कोई डाउट है, तो आप हमें कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट्स कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा तो इसको डिसलाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी हम लेके आते रहते हैं। अगर आपको इस प्रकार की और जानकारी चाहिए, लेटेस्ट अपडेट चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य प्रेस करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।